केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिला अस्पताल में एमआरआई व सीटी स्कैन मशीन का महीनों से खराब पड़े होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि संदर्भ में दिशा की बैठक में भी विषय सामने आने पर प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश सरकार के माध्यम से संबंधित समस्या का समाधान करने का आग्रह किया गया है। टाउन हॉल में दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य के बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। इस सड़क मार्ग के निर्माण कार्य की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। शीघ्र ही भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिए जाने के साथ ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। जिला हमीरपुर में अगर सीटी स्कैन की सुविधा न हो, मशीन खराब पड़ी हो, 20 साल पुरानी हो, तो चिंता का विषय तो है। इसीलिए हमने इसको दिशा कमेटी की बैठक में भी उठाया था कि एमआरआई की मशीन हो, सीटी स्कैन हो, ये सब लगे, क्योंकि जब तक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा तब तक उसको 18 महीने लगेंगे। तो 18 महीने तक हजारों लोग बगैर मशीन के रहें, ये उचित नहीं। हमने मीटिंग में एक रेजोल्यूशन डालकर भी प्रदेश सरकार को लेकर आया, मोदी सरकार में नड्डा जी से सबसे लेकर आए, लेकिन अब जो यहाँ के स्थानीय हैं वो हमें राज्य की सरकार से करने हैं, और राज्य सरकार से हमने अनुरोध किया है कि वो ये सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। पीआर टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।